अबे साले तू तो सीरियस ले ले, तेरी वीडियो देख रहा हूं। ठीक है, भोलेनाथ की कृपा से लाइक और कमेंट कर देना। चलो बंद करो। तो भैया ऐसा हम ये कहना चाह रहे हैं, हम आज हमारी अरे कर दे भाई, आज हमारी मम्मी ने हमारी की है फुल बेइज्जती, हमें की है फुल जलील। मतलब क्या मतलब है यार कि हम कुछ नहीं करते, हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। चूतड़ों के निशान तो दिखा दे। क्या बढ़िया था गुरु। चलिए दोस्तों फिर से स्टार्ट करते हैं, आज हमारी हुई है फुल बेइज्जती। मतलब क्या मतलब है कि हम अरे कर ले भाई। तो भैया चलो इस टॉपिक को आगे खींचते हैं। हमारी मम्मी हमको कही थी लला तुम कुछ नहीं कर पाओगे, आप कर लीजिए पहले। नहीं हमको पता है हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन डिमोटिवेट क्यों कर रहे हैं हमें। तो भैया देखो हमको कहते हैं अज्जू अज्जू अज्जू, ठीक है अज्जू, अब हम वो अज्जू नहीं रहे हैं, अब हमें इट्स अज्जू 254 इंस्टाग्राम पे हमने साला बहुकाल मचा रखा। क्या कर रहे हैं भैया हम रहे, हमने बहुकाल मचा रखा है वहाँ पे। साला 11.9K फॉलोवर हैं हमारे, और ये घर वाले हमको सीरियस नहीं लेते हैं। कहते साला अज्जू जाके गली में कुत्ता टट्टी किए दे वो साफ करो। जब अरे हमसे ज़्यादा इज्जत साला इसकी है घर में, कछु नहीं करता, इसे ही पड़ा रहता है, लेकिन टाइम टू टाइम धुलता है, साफ होता है, चमकता है। हमको कहते हैं लला पोछा मार दो, झाड़ू मार दो, चाय बना दो। हम नौकर हैं, नौकर हैं हम। अला हमारा इज्जत देखना तो आओ इंस्टाग्राम पे, लाइव आते हैं 80-80 बंदा आके हमको देखते हैं, आके तो रिप्लाई कर दीजिए, हमसे बात कर लीजिए। लेकिन नहीं, हमारे घर वालों को हमसे मतलब नहीं, इसी को लीजिए आप। हम कहना चाह रहे हैं भैया क्या है, हम अपने घर वालों को कहना चाहते हैं आके हमको वहाँ देखिए। हम एक रील डालते हैं 10 सेकंड के अंदर हमारे उसमें 100 लाइक आ जाते हैं, लेकिन मतलब ही नहीं है। घर वाले हमें सीरियस ही नहीं लेते हैं, कहते तो फ्यूचर में कुछ नहीं करेगा, तुझे कुछ नहीं करना है, तू नाच रहा है। भैया हम अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, हम इन्फ्लुएंसर हैं, हम यूट्यूबर हैं, हम व्लॉगर हैं। लिपस्टिक तो लगाया नहीं तूने, ये आदमी भी हमको डिमोटिवेट। साला सबसे बड़ा दर्द ये है जब हमारी वीडियो पे व्यू आते हैं, हमारे फॉलोअर बढ़ते हैं, हम ग्रो करते हैं, तभी हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। साला हमारी मम्मी गांव चले जाती हैं, हमको झाड़ू पोछा दे जाती हैं, हमारे पापा कहीं चले जाते हैं, साला हम नौकर बन के रह जाते हैं। सुबह उठो, नहाओ ना धो ना खाओ ना पियो, साला दीदी छोड़ के आओ, झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, खाना नहीं बनवाते हैं। लेकिन यार जिंदगी झंड मार दी है हमारी। अला हमारे फॉलोअर बोलते हैं सर आप लाइव क्यों नहीं आते, अरे हमको टट्टी करने का टाइम नहीं मिलता, लाइव कहाँ से आएंगे हम, हमारी ले रखी है वीडियो देखेंगे और लेंगे। तो भैया सीरियस मूड में इतना कहें, सारी मम्मी सारे बड़े जो हमको ऑर्डर देते हैं, आओ इंस्टाग्राम पे हमने भौकाल मचा रखा है, वहाँ हमारा एक रैपो है, हमारा इज्जत है, हमको मानते हैं लोग। कितना भी कर लो तुम साला, कुछ भी कमा लो, लेकिन मम्मी के आगे कभी इज्जत नहीं होगी। तुम्हें जलील करेंगे, इतना करेंगे इतना करेंगे, तुम नहीं कर पाओगे। ज़्यादा बोल दोगे तो बोलेंगे ना मैंने हमें तो देखो पेट में इसीलिए रखा है, इसलिए इनको पढ़ाया लिखाया, आगे जाके ये सुनो। वैसे हमें तो पढ़ाया लिखाया भी नहीं है, कोशिश करी थी लेकिन हम पढ़े नहीं हैं। चलो ठीक है यार, जितना है मम्मी मम्मी होती हैं, पापा पापा होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। अब ज़्यादा बोलोगे तो कहेंगे कितने भी बड़े हो जाओ, पैर तो ज़मीन पर रहते हैं। जहाँ जिम्मेदारी भी देनी होती है तो कहते हैं अब तुम बड़े हो चुके हो। जहाँ काम आता है, जहाँ हम बोलते हैं कि मम्मी हम बड़े हो गए, तो कहती है माँ बाप के लिए कोई बच्चे बड़े नहीं होते। तो मतलब साला हमारी बातों में हमें घुमाए जा रहे हैं, मतलब हमारी बातों में हमारी छोड़िए क्या बोले हम, माँ बाप हैं। चलिए लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा।